नमस्कार, हम इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे बिल्कुल पुलिस एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा जीके के 20 इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। आपको ध्यान से खेलना है, सवाल बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, चीन की राजधानी कौन सी है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीजिंग, और वहां की मुद्रा क्या है? युआन। क्वेश्चन नंबर टू, वृद्धि हार्मोनों की कमी की अवस्था में बच्चा पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि हार्मोनों की कमी की अवस्था में बच्चा पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर होगा उसका हाइट कम रह जाता है, बौना रह जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर तीन, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर फोर, सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? पहले क्वेश्चन को समझिए, सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसके गुणवत्ता में अंतर आते हैं, उसके क्वालिटी में अंतर होते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, देवी माता की पूजा संबंधित थी सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्न में से कहां पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर सेवन, पंजशीर घाटी कहां स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? मेन मेमोरी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैम को। क्वेश्चन नंबर नाइन, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने ये साबित किया कि पेड़ों में प्राण होते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जगदीश चंद्र बसु। क्वेश्चन नंबर टेन, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके सिलेबस पर वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद
80 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, न्यूनतम है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था किस आधार पर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15। 2018 में सिक्किम का पहला हवाई अड्डा कहां उद्घाटित किया गया? श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, और ये सिक्किम का पहला हवाई अड्डा है जिसका आंसर होगा, क्वेश्चन क्लियर है कि 2018 में सिक्किम का पहला हवाई अड्डा कहां उद्घाटित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पावयोंग में। क्वेश्चन नंबर 16। भारत राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? भारत में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? ये सवाल बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस देश में बुजकसी एक राष्ट्रीय खेल है? बहुत अजीबोगरीब खेल है, जानवरों के शव के साथ खिलवाड़ करता है और उस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18। पूसा रूबी किसका एक हाइब्रिड किस्म है? पूसा रूबी किसका एक हाइब्रिड किस्म है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टमाटर। क्वेश्चन नंबर 19। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाती है? पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमिनो एसिड में। क्वेश्चन नंबर 20। तो आपके स्कोर क्या हुआ? यदि आपके स्कोर 2 भी हुआ तो भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितने समय लगते हैं? ये प्रश्न पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और बहुत लोग कंफ्यूज थे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में अंतर होते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होता है जिन्हें गाने में 65 सेकंड का समय लगते हैं, और राष्ट्रीय गान जनगण मन है जिन्हें गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। तो क्वेश्चन आपसे था नेशनल सॉन्ग के बारे में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 65 सेकंड। ओके, आपके लिए एक सवाल है। किस राज्य ने भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने मित्रजनों में शेयर जरूर करिए, और आप हमारे साथ रेगुलर रहिए। रात के जो 8:45 पे वीडियो अपलोड होता है उसे आप अवश्य देखिए, वहां से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। और अपने एम को फिक्स रखिए, रेगुलर वर्क करिए, आपको सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे। तो आपका दिन शुभ हो, मिलता हूँ फिर रात में। जय हिंद, जय भारत।